अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, QS एम्प्लॉयज टीवी में खुश आमदी। दोस्तों, वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अहम अपडेट है, जिसकी तफसील आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को आज की इस खबर की मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हवाले से अपडेट होगी सबसे पहले आप दोस्तों को बरवक्त मिलती रहेगी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी बजट 2023 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और इनकम टैक्स की शरह को गुज़श्ता माली साल की सतह पर बरकरार रखा जाएगा और इसमें कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इढ़ाक रिलीफ देने का फैसला किया है। इसी तरह इस दौरे हुकूमत में तनख्वाहों में सबसे ज्यादा जो है 50% इजाफा किया जाएगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक 4 लाख रुपए तक सालाना आमदन और तनख्वाह पर टैक्स ऐड नहीं होगा। 5 लाख तक सालाना तनख्वाह व आमदन पर 2.5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की तनख्वाह व आमदन पर 5%, 10 लाख से 15 लाख रुपए तक तनख्वाह व आमदन पर 7.5 और 15 लाख से ज्यादा आमदन व तनख्वाह पर 10% इनकम टैक्स आयद होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए।